हाल में संसद द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा यूपी पंजाब के किसान लगातार दिल्ली प्रवेश मार्गों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है। आप देख रहे हैं कि जो किसान प्रतला से किसान जो रुके हुए थे वो लगातार अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो दिल्ली जाकर मानेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहना है इनका, किस तरीके से ये लोग आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो कि सीकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो पूरी तरीके से उसने भी रणनीति बनाई हुई है ताकि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़ सके। पलवल जिले के किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, कल के हम चले हैं और हम अपना परिचय देने चाहते हैं। ये जो हमारा आंदोलन है ये दिल्ली पहुँच कर रहेगा, किसी भी कीमत पर कोई सरकार कोई पुलिस इसको रोक नहीं सकती, नहीं इसको कोई दबा सकती। मैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच जिला अध्यक्ष संदीप बहादुर बोल। नहीं नहीं, पुलिस तो हमें नहीं रोक पाएगी। आपने देखा है पंजाब से चलकर किसान दिल्ली तक पहुंच गया और हमारे लिए तो दिल्ली कोई चंद कदमों पर है। जो दिल्ली में बैठे हुए राजा तो हमने बनाए हैं, इसी किसान ने तो दिल्ली में और राजाओं को पहुंचाया है, उन्होंने किसान को थोड़ी बनाया। हम बहुत जल्दी दिल्ली पहुँचने वाले हैं। मैडम, हरियाणा राष्ट्रीय जाट एकता मंच हरियाणा प्रदेश सचिव। हाँ जी, हाँ मैडम बिल्कुल, हम उनका विरोध करेंगे। जो बिल किया ये किसानों के विपरीत है, विरोध है, और हम दिल्ली जाने के लिए प्रशासन से लड़ने मरने के लिए हर चीज के लिए तैयार है, और आप जैसे पत्रकार जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी जो मांगे हैं इनको किसानों की मांगों को पूरी नहीं कर रही सरकार, ये उचित है, उचित हिसाब से जो हम क्लियर करना चाहते हैं उनको क्लियर नहीं कर रही है, तो ऐसे करके हमें मतलब ये क्लियर हो जाए तो हम यहाँ रोक लेंगे, अन्यथा हम मतलब रुकने वाले नहीं हैं। आगे पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात है, क्या आपको लगता है कि आगे आपको जाने दिया जाएगा? पहले रिक्वेस्ट करेंगे, रोके गए तो हम जबरदस्ती भी करेंगे, क्यों अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। किसान आज बहुत मूड में है, बड़ा परेशान है।